बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। वन मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, वन आवर में 60 मिनट्स होते हैं और वन डे में 24 आवर्स होते हैं। हम आम तौर पर वक्त के यूनिट के लिए क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। द नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 आर यूज टू काउंट द आवर्स। तो एक क्लॉक फेस के ऊपर 12 आवर्स होते हैं और द मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट्स टू गो फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। अगर वो दो तक जाता है तो 10 मिनट्स होते हैं, रेड एरिया जो आपको शो कर रहा है। और इसी तरह अगर 5 पे होती है मिनट की सुई, तो इसका मतलब है 25 मिनट्स गुजर चुके हैं। और 7 पे होती है सुई मिनट की, तो मतलब है 35 मिनट गुजर चुके हैं। और जब पूरा घंटा होता है तो इट मींस 60 मिनट्स। तो टाइम जो है वो मुफ्त में मिलता है, ये प्राइसलेस है। वक्त को इस्तेमाल किया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है, लेकिन गया वक्त वापस नहीं आता। और वक्त की कोई कीमत नहीं है। हम गया वक्त लाखों करोड़ों रुपए भी देकर नहीं खरीद सकते। और एक दफा वक्त ज़ाया हो जाए तो फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ हासिल नहीं होता। वक्त ही सबसे बड़ी दौलत है जो हम सबको एक ही जितनी मिलती है, कोई अमीर हो या गरीब हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि कुरान को आसान किया है। तो प्यारे बच्चों, आपको उर्दू पढ़ना आती है तो कुरान मजीद बहुत आसान किताब है, ये अल्लाह का कहना है। इसको उर्दू से तर्जुमा के साथ पढ़ें। अब हम आते हैं एडिंग टाइम्स के, हम वक्त को किस तरह से ऐड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो फॉलो दी स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 है कि ऐड द आवर्स। सबसे पहले आप घंटे जमा करें, फिर उसके बाद आप ऐड द मिनट्स जमा करें, और फिर उसके बाद आप मिनट्स को, अगर मिनट 60 से ज़्यादा हैं तो उसको घंटों में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि और फिर जो एक्स्ट्रा घंटा होगा वो घंटों में जमा कर दें। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं कि 3 hours 45 minutes प्लस 1 hour 50 minutes को ऐड करना है। तो पहला स्टेप ये है कि हमने आवर्स में आवर्स ऐड किए, 3 + 1 = 4 hours। फिर हमने मिनट्स ऐड किए, तो 45 + 50 = 95 minutes। अब हमने देखा कि 95 मिनट्स जो हैं वो 1 घंटे और 35 मिनट्स के बराबर होते हैं। अब हम 1 घंटा इसमें से घंटों में ऐड कर देंगे तो ये 5 hours हो जाएगा। अगर हम इसको समराइज करें तो ये बन जाएगा 5 hours 35 minutes, यानी हमारा आंसर जो है वो 5 घंटे 35 मिनट्स है। 3 hours को आवर में ऐड किया, फिर हमने मिनट्स को, एक्स्ट्रा मिनट्स को घंटों में ऐड किया। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1 hour 5 minutes + 2 hours 42 minutes को ऐड करें। तो पहला स्टेप हमने ये किया कि आवर्स को आवर्स में ऐड किया तो ये 3 hours हो गए। अब दूसरे स्टेप में हमने मिनट्स को ऐड किया तो 47 मिनट्स हो गए। अब 47 मिनट्स जो हैं दे आर लेस देन 60, ये घंटे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। तो हम इसका जवाब लिखेंगे 3 hours 47 minutes। अब हम इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास मिनट्स हैं जमा करने के लिए। हमने ऐड करने हैं 45 minutes into 55 minutes, और इसका हम वीडियो यहाँ पे आप स्टॉप करें। आप खुद से इनको टोटल करके फिर आवर्स में कन्वर्ट करें, फिर इसका आगे देखते हैं। तो इसमें क्योंकि आवर्स है ही नहीं तो हम सीधा मिनट्स ऐड करने से शुरू करेंगे। तो 45 + 5 = 55 minutes 100 minutes के बराबर होते हैं, और 100 minutes = 1 hour 40 minutes। तो इसका जवाब आएगा 1 hour 40 minutes। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें सेकंड्स भी हैं।
8 hours 45 minutes और 40 seconds को हमने ऐड करना है 7 hour 25 minutes और 35 seconds में। आप खुद से इसको हल करने की कोशिश करें, फिर इसका हम आगे जवाब देखते हैं। तो स्टेप वन तो यही है कि हमने आवर्स ऐड किए, तो 8 प्लस 7 जो है वो 15 आवर्स में बन जाता है। फिर उसके बाद हमने मिनट्स ऐड करने हैं, तो 45 प्लस 21 मिनट्स 66 मिनट्स हो जाते हैं। और फिर हम सेकंड्स ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 75 सेकंड्स जो हैं वो आ जाते हैं। अब आपको पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम 1 मिनट 15 सेकंड्स। अब हम 1 मिनट जो एक्स्ट्रा है सेकंड्स के बाद वो हम मिनट्स में ऐड कर देंगे, और जो एक घंटा मिनट्स में से बचा है हमारे पास वो हम आवर्स में ऐड कर देंगे। इस तरह हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 16 आवर 70 मिनट 15 सेकंड्स। उम्मीद है आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।